बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं बिलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं कलेजी मटर बनाऊंगी, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखें आप मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो देसी तरीके के साथ हमें कलेजी मटर बनाने के लिए 1 कप ऑयल लेना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज जो है ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट के लिए हम अब इसको भी भूनेंगे। मुझे अदरक लहसुन डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो है टमाटर डाल देते हैं और इसी के साथ हम इसमें जो है मसाले डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और साथ ही पानी का छिड़काव लगाएंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप मसाला हमारा जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें कलेजी डालेंगे। तो कलेजी मैंने मुर्गी की ली है, आप चाहें जो चाहें वो ले सकते हैं। तो अब हम इसको भूनेंगे। कलेजी भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी कलेजी ने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको और भूनेंगे ताकि हमारा पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है अच्छे से भुन गई है, इसने घी जो है छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है मटर डालेंगे। मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दम लगाए हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी कलेजी मटर का सालन जो है बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरे कहने पे आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जो है ये गर्म मसाला डाल देते हैं। ये मैंने खुद घर में पीसा हुआ है। सब चीज़ें डाल के पीसा करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसी के साथ धनिया डालेंगे। तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरे घर वालों का ये फेवरेट सालन है, इंशाल्लाह आज बहुत ही खुश होंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।